presenting Rajdeep, Pooja and Praveen. अरे वाह, क्या स्किपिंग करते हुए आ रहे हो? जी, स्किपिंग करते हुए आए हैं। ये तुम्हारी हॉबी है कि तुम ट्रेंड हो क्या? बॉक्सिंग वॉक्सिंग करते हो? हाँ जी, मैं बॉक्सर भी हूँ। हाँ। पर ये मेरी हॉबी कम प्रोफेशन है। मैं जंप रोप एसोसिएशन छत्तीसगढ़ अपने स्टेट में, मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। स्किपिंग टेक्निकल डायरेक्टर, ये क्या भैया? मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ वहाँ का, और मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, अलग अलग तरह से रोप करना सिखाता हूँ उनको, अलग अलग ट्रिक्स बताता हूँ। मतलब उछलने का टेक्निकल डायरेक्टर? हाँ जी। एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। संभव शब्द जो है ना, वो बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को देख के लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरु। और मैं समझता हूं कि इसके लिए चार लाइनें बोलनी ही पड़ेंगी यार, दिल की गहराइयों से। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, इस जमीन पर सैकड़ों नदियां बहा देते हैं वो, जंगलों में महामंगल बना देते हैं वो, और जमीनें खुश्क के ऊपर कश्ती चला देते हैं। वाह सर, हाय 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 हाय। तीनों पी के आए हो लस्सी, हाथ में लेके लाए हो रस्सी, खुश हुआ अन्नू मलिक, सिद्धू विशाल और अपनी प्यारी मोना जस्सी। वाह, लेकिन आपने शुरू कैसे किया, आपने कैसे डिस्कवर किया कि आप इतना कुछ कर सकते हैं? मैं गोवा गया था, वहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को रोप करते देखा और काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। फिर जब मैं वापस अपने शहर आया तो वहाँ पे मैं अपने सर अखिलेश दुबे के साथ मिलके हमने एसोसिएशन बनाया, जंप रोप एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के नाम से, और तब से मैं वहाँ का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। तो आपने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कुछ बनाया है? हाँ जी, हमने रिसेंटली 2 मंथ बिफोर हमने एक डबल डच स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 24 आवर्स हमने जंपिंग की थी। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट यार, बहुत बड़ी न्यूज है ये तो। तो ये लीजिए आपका फुल ऑन स्किपिंग अमाउंट, 11,112। यू डिजर्व इट। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा। दो कहो। इसलिए मेरे पापा मुझसे कुछ नाराज हैं, क्योंकि मैं हर समय रोप ही करते रहता हूँ, उनकी बात भी कभी कभी नहीं सुनता हूँ। तो अभी जब मैं यहाँ पे आया तो भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की, तो मैं उन्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी डैड, आई लव यू। उन्होंने बच्चे की करा देखी है, नेशनल टेलीविजन में बच्चा आया, और मैं आपके पिताजी से कहना चाहता हूँ
कुछ भी हुआ बच्चे को माफ कर दो, बड़ा अच्छा सच्चा कलाकार है, बहुत प्यारा बच्चा है। अनु जी, सिद्धू जी, थोड़ी बहुत स्किपिंग हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ जी आइए। हाँ जी, हाँ जी, ना जी, चैलेंज चैलेंज, ना जी मैं आता हूँ। Presents entertainment के लिए कुछ भी कर।